आज हम बनाने जा रहे हैं यमहा का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर है RX-V373। ये पीस जो है डेड के जैसा है, डेड ही ऑलमोस्ट समझ लीजिए। और हमारे जो सहयोगी मित्र हैं, उन्होंने इसका जो DSP बोर्ड है, DSP कॉम HDMI, इसको क्लीन किया है अच्छे से। और कुछ सेक्शन जो है कनेक्टर के पास, जो फ्रंट के लिए आता है, फ्रंट को जाता है, वहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह कुछ सड़ गए थे, बहुत रस्टी पीस था। तो हमारे जो सहयोगी मित्र हैं उनका धन्यवाद, उन्होंने मेहनत किया इसके पीछे। और ये जो सेक्शन है, ये आप देख सकते हो अभी भी थोड़ा थोड़ा काला काला डॉट्स है सिस्टम IC के पास। और ट्रैक्स भी कुछ, उनमें से एक जो है ख़राब निकला है। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ ये 2412 लिखा है, 2 के लाइन में एक चम्फर मारा हुआ है। ये हमारे सहयोगी मित्र ने किया है इतना मेहनत। इसके अंदर प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल ये आ रहा है कि ये पीस पे डिस्प्ले नहीं है, साउंड भी नहीं है, पर टीवी के अंदर जो है पिक्चर आ रही है, उस पर डिस्प्ले भी आ रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये HDMI कनेक्ट किया है इनपुट आउटपुट, और यहाँ पे हमने एक टीवी लगाया है, आप देख सकते हो इसमें पिक्चर आ रही है जो हमने CD प्ले किया है। और वॉल्यूम जब भी हम इसका अप डाउन करते हैं तो वॉल्यूम का लोगो भी टीवी पे आ रहा है, ये आप देख सकते हो। तो पर फ्रंट के एम्पलीफायर के फ्रंट में कुछ भी नहीं है, हम उस पर थोड़ा काम करेंगे, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं उसको। आप देख सकते हैं वर्किंग गुड हो गया है, साउंड इसमें आ गया है, डिस्प्ले भी इसमें आ गया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या किया है। अभी हमने इसमें क्या क्या किया है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो काम तो बहुत सारा किया है, तो इसको सर्किट में जो किया है वो मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ आगे चल के, कि डायग्राम पे इसको समझने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। हम जो है अभी इसके कुछ इम्पोर्टेंट वोल्टेज है उसको हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, ताकि आगे नेक्स्ट में जो भी बनाए उसको हेल्पफुल हो। आप देख सकते हो ये 5 वोल्ट ये सेक्शन में है, फिर यहाँ पे भी 5 वोल्ट है। ये जो है कॉइल का पॉइंट यहाँ पे 1.191 ऑलमोस्ट 1.2। ये जो कॉइल का सेक्शन है यहाँ पे 3.3 वोल्ट। ये जो कॉइल है यहाँ पर आप देख सकते हो 1.3। आगे ये कैपेसिटर का जो प्लस पॉइंट है FM के सॉकेट के पास लगा हुआ है, यहाँ पर भी ये देख लेते हैं 4.96 ऑलमोस्ट 5 वोल्ट। ये कैपेसिटर का प्लस पॉइंट है 3.24, थोड़ा कम आ रहा है, ज़्यादा आना चाहिए 3.3 ऑलमोस्ट 3.29। ये कैपेसिटर का जो प्लस पॉइंट है वहाँ पे देख लेते हैं 5 वोल्ट 5.। हम बात कर लेते हैं अभी सर्विस मैनुअल के हिसाब से हमने कहाँ पे क्या किया है, और वो जो प्रॉब्लम निकला है वो कैसे सॉल्व किया है, और उसका कहाँ पर, चलिए हम देखते हैं अभी कहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे PCB लेआउट के हिसाब से। PCB लेआउट के हिसाब से हम आपको पहले समझा देते हैं कि PCB लेआउट में हमने क्या किया है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये एक कनेक्टर है जो कि फ्रंट के डिस्प्ले में जाता है, डिस्प्ले पैनल में जाता है फ्रंट सेक्शन में,
और यहाँ का जो हिस्सा था बहुत ज़्यादा रस्टी था। ये जो साइड के दो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो 2230 और 2209, सॉरी 22229, ये ख़राब थे। तो जो एक तो था, एक तो हमारे प्रिय मित्र ने सही लगाया 2229, और ये जो 2230 था इसको इन्होंने जम्पर मार दिया था। जम्पर नहीं मारना चाहिए था। क्यों नहीं मारना चाहिए ये मैं आगे आपको बताता हूँ। और दूसरा जो सेक्शन था यहाँ पे भी, ये एक रेजिस्टेंस जो था पूरी तरीके से सर्किट टूट चुका था, तो इसको भी हमारे सहयोगी मित्र ने बहुत ही सही ढंग से उसको लगाया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे जम्पर क्यों नहीं मारना चाहिए। ये जो सेक्शन है की का सेक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ से ऊपर का 1 2 3, और ये जो है 1 2 3, और ये तीन जो है लाइन जाती कहाँ पर है। जम्पर क्यों नहीं मारना चाहिए था। की का लाइन जो रहता है, कोई भी की का लाइन होने दीजिए आप, की के लाइन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हर एक की का अपना अपना फंक्शन है और वो अपने अपने फंक्शन के हिसाब से काम करते हैं। तो हमें की के लाइन के ऊपर कभी भी जम्पर नहीं मारना चाहिए। ये आप देख सकते हो पिन नंबर 12 की का लाइन है, और ये यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देख सकते हो 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है। आगे फ्रंट के डिस्प्ले पैनल पे भी हर एक स्विच का अपना अपना फंक्शन है और वो अपने अपने फंक्शन के हिसाब से एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल करती है कंपनी, कि कितने वैल्यू पे जाके वो शॉर्ट होगा स्विच तो वो की का फंक्शन काम करेगा। तो कभी भी इसलिए हमें यहाँ पे 100 ओम्स दिया है तो 100 ओम्स ही लगाना चाहिए, जम्पर नहीं मारना चाहिए। हमने अपने हर एक वीडियो में बताया भी है, हमारे सहयोगी मित्र को भी हमने कितनी बार बोला है कि आप हर जगह जम्पर का इस्तेमाल ना कीजिए, पर वो सुनते नहीं हैं। ठीक है, अभी आपको डिस्प्ले नहीं आ रहा था, तो डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा था तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। ये जो है अपना पिन नंबर 13, यहाँ पे देख रहे हो आप 3.3 FL, ये 3.3 FL जो है कहाँ जाता है, ये जो सेक्शन की ये IC है ना, ये ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिस्टम कंट्रोल से ड्राइव आता है, ड्राइव आने के बाद ये इसको शॉर्ट करेगा एक दूसरे को, उसके बाद ये काम करेगा। ये एक तरीके का मॉस्फेट, इसके अंदर जूम करता हूँ, ठहरी रुकिए, इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ। इसको जो है एज अ मॉस्फेट की तरह इस्तेमाल किया है, और ये जो दो पिन है इसका 1 2 3 4 और 5, तो मैंने जो है टेम्प्रोरी इसको शॉर्ट किया हुआ है, ताकि मैं आगे, मुझे कैसे पता चलेगा आगे क्या फंक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें तो आवाज़ भी नहीं था, लेकिन जब डिस्प्ले आया तो जो उसके फंक्शन होने चाहिए वो हमने किए। ये देखिए, ये उसका PCB है, और ये वो IC है जिसका मैंने आपको दिखाया, और ये जो दो पिन है हमने इसको शॉर्ट किए हैं। अभी इसको हम बदली करेंगे, दूसरा मार्केट में मिलता है या नहीं मिलता है, या दूसरे किसी पीस में से निकाल के डालना पड़ेगा उसका अल्टरनेटिव, या फिर उसका कोई अल्टरनेटिव हमें ढूंढना पड़ेगा और उसे हमें यहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा। बाकी ऑल वर्किंग गुड था।